Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss meta marketing, integrated marketing, micro and macro marketing and recent developments under marketing. सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था. वहाँ पे हमने देखा था कि हम मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो कस्टमर्स के ही अराउंड रिवॉल्व करता है. जो पूरा कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ही है. और इसके साथ साथ हमने काफ़ी टर्म्स डिस्कस करे थे मार्केटिंग के अंदर ही. तो अब हम उसी के आगे के टर्म्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि अब माइक्रो और मैक्रो मार्केटिंग हम किसको कहते हैं मार्केटिंग के अंदर. तो अब यहाँ पे माइक्रो मार्केटिंग तब होती है जब एन इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटीज. तो तब हम कहते हैं कि यहाँ पे माइक्रो मार्केटिंग है. मतलब कि एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मार्केटर है जो एक्चुअली मार्केटिंग के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको कहते हैं कि वो माइक्रो मार्केटिंग है. क्योंकि वो एक वन सिंगल पर्सन से रिलेटेड है, सिंगल मार्केटर से रिलेटेड है. तो अब अगर ये जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन ही परफॉर्म कर रहा होता है तो तभी हम उसको माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं. जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट देखा था कि जब एक पर्टिकुलर फर्म जो है वो जब अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो वो सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर जब अगर एक इंडिविजुअल फर्म के जो मार्केटर्स हैं, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो है जो एक्चुअली मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो माइक्रो मार्केटिंग जो है उसको परफॉर्म कर रहा है, वो माइक्रो मार्केटिंग के अंदर आएगा. तो अब माइक्रो मार्केटिंग तो रिलेटेड है इंडिविजुअल पर्सन से. अब ऐसे ही मैक्रो मार्केटिंग जो है वो एग्रीगेट से रिलेटेड होता है कि यहाँ पे जो भी अब एक इंडिविजुअल पर्सन जब एक फर्म से रिलेटेड है, लेट्स से वन पर्टिकुलर फर्म, तो अब ये इंडिविजुअल तो इस पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड है और यहाँ पर ये जो मार्केटर है वो इस फर्म के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है. लेकिन अब ऐसे ही यहाँ पर इंडिया के अंदर ही यहाँ पे वेरियस फर्म्स हैं और सभी यहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्म जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी. सारी ही फर्म्स जो हैं वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. तो ऐसे ही अब यहाँ पे जब वेरियस फर्म्स हो जाएंगी, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ फर्म्स हो जाएंगी, न्यूमरस फर्म्स हो जाएंगी, तो उसके बाद वहाँ पे जो मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म होगी जो उसका एग्रीगेट होगा यानी एवरेज होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो मैक्रो मार्केटिंग है. कि अब यही एक्टिविटीज़ जो हैं, यही मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं ऑन एन एवरेज. मतलब कि जो भी सारी फर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं तो उसको हम ऑन एन एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम यहाँ पे मैक्रो मार्केटिंग बोलते हैं. तो ये भी यहाँ पे सिमिलर है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट से कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे पूरे नेशन की एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर मैक्रो मार्केटिंग के अंदर जो भी सारी एक कंट्री के अंदर फर्म है वो यहाँ पे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं तो उसको हम ऑन एन एग्रीगेट जो है वो मैक्रो मार्केटिंग बोलेंगे. तो अब यहाँ पे हम मैक्रो मार्केटिंग के अंदर एग्रीगेट परफॉर्मेंस को देखते हैं कि अब यहाँ पे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऑन एन एग्रीगेट परफॉर्म हो रही हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर. तो अब वो जो परफॉर्मेंस होगी, मतलब जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस है वो किससे रिलेटेड हो सकती है, वो रिलेटेड हो सकती है मार्केटिंग मिक्स में. अब इससे रिलेटेड जो कॉम्पोनेंट है मार्केटिंग मिक्स, मतलब यहाँ पे फोर पीस समझ जाना चाहिए हमें जब भी हम मार्केटिंग मिक्स सुनते हैं. तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़
एंड प्लेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उन्हीं को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर जब एक कंट्री एज अ होल ऑन एन एग्रीगेट परफॉर्म करती है तो उसी को हम यहाँ पे मैक्रो मार्केटिंग जो है वो बोलते हैं। जब एक इंडिविजुअल पर्सन ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, एक पर्टिकुलर मार्केटर जो होगा वो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, तो उसको हम माइक्रो मार्केटिंग बोलेंगे। लेकिन जब सारी ही फर्म्स मिलकर एक कंट्री के अंदर ये एक्टिविटीज़ जो हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं तो उसको हम यहाँ पे मैक्रो मार्केटिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का यहाँ पे हम पहले लेक्सिकल मीनिंग देखते हैं। अब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यहाँ पे टू जॉइन थिंग्स, टू मेक अनदर थिंग और टू मेक वन थिंग। तो अब जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद उनको मिक्स करने के बाद हमें एज अ होल एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब हम मिक्स कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम मार्केटिंग जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं मार्केटिंग के अंदर उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी यहाँ पे, वही हमारे 4 P's। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी यहाँ पर कि हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। प्रोडक्ट को हमें डेवलप करना है, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को पहले हमें अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसी के बाद हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केटिंग मिक्स के 4 P's में से फर्स्ट P है कि यहाँ पे हम पहले जो प्रोडक्ट होगा उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको डेवलप करेंगे ताकि हम यहाँ पर कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएं। तो अब यहाँ पे जब हम एक प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं उसके बाद हमें उसका प्राइस सेट करना होता है कि हम उसको एक्चुअली उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, हम कस्टमर से कौन सा प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे, हमें उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यहाँ पे कितनी कॉस्ट आई है और उसको हम कैसे प्राइस को सेट करके रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया प्रोडक्ट को भी और प्राइस को भी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेस एंड नेक्स्ट है प्रमोशन। तो अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे प्राइस को सेट कर चुके होंगे उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब जो भी डिफरेंट रिटेलर्स होंगे उनको आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। तो इसी को हम यहाँ पे प्लेस कहते हैं कि हमको अपना प्रोडक्ट जो है उसको प्लेस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का ताकि वो डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तक पहुँच पाए। तो यही आता है यहाँ पर प्लेस के अंदर। उसके बाद आता है प्रमोशन। तो जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस जो है उसको स्प्रेड करनी है ताकि कंज्यूमर्स को ये पता रहे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जो आपकी कंपनी ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वो आकर जब लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, प्रमोशन से आप लोगों को अवेयर कर रहे होंगे तभी लोग जो है वो मार्केट में जाकर आपका जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इन 4 सिस्टम्स को, इन 4 फंक्शंस को यहाँ पे आप इंडिविजुअली नहीं देख सकते, आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा इन सारे 4 P's को, तभी आप यहाँ पे जो मार्केटिंग का फंक्शन है उसको परफॉर्म कर पाएंगे और एक साउंड मार्केटिंग मिक्स जो है उसको फॉर्म कर पाएंगे और यहाँ पे आप अपना कंपनी का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको भी कर पाएंगे और कंज्यूमर वैल्यू भी जनरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का यही मतलब है कि आप यहाँ पर ये जो डिफरेंट 4 P's हैं इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनको यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए एज अ होल। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने ज्वाइन किया यहाँ पे प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को और प्रमोशन को, जिससे आपने पूरी मार्केटिंग की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म किया।
तो ये हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि यहाँ पे टू ज्वाइन थिंग्स टू मेक अनदर थिंग, तो आपने यहाँ पे फोर डिफरेंट थिंग्स को ज्वाइन किया ताकि आप मार्केटिंग की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर पाएँ। तो यही इसी को हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। मार्केटिंग को हम जो है वो एक डिफरेंट सेगमेंट की तरह नहीं देखते, बल्कि इसको हम इंटीग्रेटेड समझते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। तो हम यहाँ पे मार्केटिंग का जो फंक्शन है उसको आइसोलेशन में नहीं देखते हैं कि अब सेपरेटली आप मार्केटिंग का फंक्शन जो है वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमने ये तो देखा यहाँ पर फोर पीस के कंटेक्स्ट में कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है वो फोर पीस के कंटेक्स्ट में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अब मान लेते हैं जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो फिनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा आपकी कंपनी के। तो इसीलिए जो यहाँ पे मार्केटिंग का फंक्शन है, जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ पे आइसोलेशन में वर्क नहीं करेगा, उसको यहाँ पे फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेशन में ही काम करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर मार्केटिंग के फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा। अब यहाँ पे प्लेस जो है वो यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा होगा, जो भी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होगा तो इसके साथ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। प्रमोशन यहाँ पे लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है, तो उसके साथ भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मार्केटिंग का जो फंक्शन है, जो डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकता। सेम गोज विथ फिनेंस डिपार्टमेंट कि इसको भी हम अलग नहीं कर सकते दूसरे डिपार्टमेंट से, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है यहाँ पर। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि जो मार्केटिंग है यहाँ पर वो आइसोलेटेड कंसेप्ट नहीं है बल्कि इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है। तो आई होप आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है वो समझ में आया होगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मेटा मार्केटिंग। अब हम मेटा मार्केटिंग किसको कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे मेटा मार्केटिंग को समझने से पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमने देखा था मार्केटिंग जो है वो कंपनीज इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और अल्टीमेटली कस्टमर के लिए जो वैल्यू है उसको जनरेट कर पाएँ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर पाएँ, जिसके थ्रू उनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो हो पाएगा। लेकिन अब अगर इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, तो अब नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के केस में तो यहाँ पे इनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको यहाँ पे मार्केटिंग का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने की कोई रिक्वायरमेंट होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो अब यहाँ पे मेटा मार्केटिंग इसी को एक्सप्लेन करता है कि हम यहाँ पे मार्केटिंग का ही हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे हम मार्केटिंग के कंसेप्ट को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मार्केटिंग आइडियाज़, पर्सन्स, प्लेस एंड कॉजेज। तो अब यहाँ पे जब मेटा मार्केटिंग की बात होती है तो हम यहाँ पे मार्केटिंग किसकी करेंगे? आइडियाज़ की मार्केटिंग होगी, पर्सन्स की मार्केटिंग होगी, प्लेस और कॉज की मार्केटिंग होगी। तो नॉर्मल मार्केटिंग के कंसेप्ट में हमने ये देखा था कि हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ पे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करना उनका मोटिव नहीं होता। उनका मोटिव होता है कि उन्हें कोई सोशल कॉज जो है उसको प्रमोट करना है, अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना है। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केटिंग हो रही होती है आइडियाज़ की, जो भी उस नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया होगा उनसे रिलेटेड कोई भी पर्सनैलिटीज जो एसोसिएटेड होंगी उनका प्रमोशन करना होगा, उनकी मार्केटिंग करना होगा, प्लेस की मार्केटिंग करना होगा। जैसे आपने गवर्नमेंट के टूरिज्म एड्स देखे होंगे तो उसमें प्लेस का जो है वहाँ पे मार्केटिंग हो रहा होता है, प्रमोट कर रहे होते हैं हम वहाँ पे टूरिज्म को, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्लेस की मार्केटिंग है। तो ये सब आता है मेटा मार्केटिंग के अंदर कि वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता लेकिन हमें उस प्लेस को प्रमोट करना है। एंड कॉजेज, अब कोई भी सोशल कॉज है जो कि यहाँ पर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस कॉज के लिए काम करती है। लेट्स से अब अगर ऐसा होता है यहाँ पे नो स्मोकिंग हो सकता है कॉज, से नो टू ड्रग्स हो सकता है, तो अब यही सब हो सकते हैं यहाँ पे कॉज में।
तो हम यहाँ पे मेटा मार्केटिंग जो है वो इसी के लिए यूज़ करते हैं, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे मेटा मार्केटिंग बोलते हैं कि हम यहाँ पे मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की नहीं, यहाँ पे आइडियाज़ की मार्केटिंग हो रही है, पर्सन्स प्लेस एंड कॉजेज की मार्केटिंग हो रही है। तो ये मेटा मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे जनरली नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे मेटा मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं मार्केटिंग के अंदर उनको। तो अब यहाँ पे हमें 10 ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिनको डिस्कस करना है। फर्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग। तो अब डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे कस्टमर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो जब आप यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर्स से कांटेक्ट करते हैं और उनको अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे पर्सनल सेलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, कि आप यहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा सेल्स पर्सन है जो वहाँ पे डोर टू डोर सेलिंग करते हैं ताकि वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो कस्टमर से कांटेक्ट कर पाएँ और अपना प्रोडक्ट जो है उनको देन एंड देयर जो है वो उसको सेल कर दें, तो इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ पे ये टेलीफोन के थ्रू भी हो सकती है कि आपके पास कोई अगर टेलीफोन कॉल आता है और उस कॉल के थ्रू आप जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पे टेलीफोनिकली यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो परफॉर्म हो सकती है। और टेलीविज़न एड्स के थ्रू हो सकती है कि आपने टेलीविज़न में डायरेक्ट मार्केटिंग के एड्स जो हैं वो देखे होंगे कि वहाँ पे आपको नंबर्स जो हैं वो फ्लैश हो जाते हैं स्क्रीन पर, और उसके बाद उन नंबर्स पे कांटेक्ट करने के बाद आपको वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो इसी सब को हम यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था जिसमें हमने एक कंसेप्ट देखा था CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे ताकि कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, कस्टमर डिलाइट को हम अचीव कर पाएं, कि कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट से सिर्फ सेटिस्फाइड ही ना हो बल्कि डिलाइटफुल हो, जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स के लिए डिलाइटफुल हो। तो इसी को हम यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं कि हमने कस्टमर्स के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बिल्ड किए। अब ये रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो कैसे हो सकती है, मान लेते हैं आपने डिस्काउंट्स ऑफर किए, जो भी आपके फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं उनको। तो अब अगर ऐसा होगा कि आप यहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे फ्रीक्वेंट कस्टमर्स को जो आपसे एक या दो बार जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर चुका है, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम जब वो थर्ड टाइम आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आप उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे ताकि वो पर्टिकुलर कस्टमर अगर अपनी फोर्थ परचेज करे तो वो भी आपके प्रोडक्ट से ही करे। इसीलिए आप वहाँ पे उनको डिस्काउंट जो है वो ऑफर करते हैं और कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो ये हो सकता है यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज के थ्रू भी, कि आप यहाँ पे कस्टमर्स को जो सर्विसेज हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं आफ्टर सेल्स, मतलब कि जब वो प्रोडक्ट है वो कस्टमर बाय कर चुका है, कस्टमर परचेज कर चुका है, लेकिन आपकी ड्यूटी यहाँ पे फिनिश नहीं हो रही है, आप उसके बाद पूरा चेक रख रहे हैं, कस्टमर्स को कॉल करके उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या नहीं, तो उसी को हम यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं। तो इससे भी यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं आप और अल्टीमेटली उससे रिलेशनशिप मार्केटिंग हो जाएगी। ऐसा आपने यूजुअली यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के केस में देखा होगा कि यहाँ पे जो एयरलाइंस हैं वो यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं ताकि वो जो कस्टमर है वो उन्हीं की फ़्लाइट से नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्रैवल करे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब किया जाता है, मतलब कंपनीज जो रिलेशनशिप मार्केटिंग को अडॉप्ट करने लगी हैं वो इसीलिए ताकि वो कस्टमर लॉयल्टी जो है उसको अचीव कर पाएँ, कस्टमर डिलाइट को भी अचीव कर पाएँ। तो यही था यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग के केस में जो यूजुअली हम एयरलाइंस के केस में देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग। अब सर्विस मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे सर्विस से रिलेटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सर्विस है अदर देन गुड्स है तो उस सर्विस को आप मार्केट कर रहे हैं। वो सर्विस हो सकती है किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड,
फूड से रिलेटेड, ट्रेवलिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे अगर जो भी सर्विस होगी, लेट्स से एजुकेशन है मान लेते हैं, तो आपने बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, मतलब जो भी ऐसे ऑनलाइन टीचिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे अब फ्लॉरिश करने लगे हैं। तो वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बल्कि सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो जब ऐसी कोई फर्म जो कि सर्विसेज ऑफ़र करती है और वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, तो उसको हम यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग बोलते हैं। अब मान लेते हैं कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई फर्म है कि वो एजुकेशन ऑफ़र करती है, कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कोचिंग जो है उसको ऑफ़र करती है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि वो सर्विस मार्केटिंग है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे ट्रेवलिंग के केस में भी, जैसे आपने देखा होगा मेक माई ट्रिप है, तो वो आपके लिए आपका ट्रैवल का जो पूरा प्लान है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेक माई ट्रिप उसका एक एग्जाम्पल है कि वो यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग करते हैं। वो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज वो पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप एजुकेशन में देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। यहाँ पर बायजूस हो सकता है, यहाँ पर अन अकेडमी हो सकता है, ग्रेड अप हो सकता है, तो ये सभी यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग करते हैं कि इनके पास कोई प्रोडक्ट जो है उसकी ये मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सर्विस मार्केटिंग जो है वो समझ में आया होगा। सोशल मार्केटिंग, अब सोशल मार्केटिंग क्या होता है कि आप किसी भी सोशल कॉज को लेकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। लेट से वो सोशल कॉज जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि नो स्मोकिंग है, और नाउ अ डेज वेयर मास्क है, तो ये सब कुछ आता है यहाँ पर सोशल मार्केटिंग के अंदर, कि आप यहाँ पे किसी भी सोशल कॉज को लेकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब उसके लिए यहाँ पर अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि यहाँ पर ये सोशल मार्केटिंग का पार्ट है, कि यहाँ पे आप इन कॉजेज़ की यहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड भी हो सकता है, तो अब इन्हीं सब को हम यहाँ पे सोशल मार्केटिंग बोलते हैं, कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉज है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पे अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो सोशल मार्केटिंग है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेफरल मार्केटिंग। तो अब रेफरल का मतलब यहाँ पे होता है कि आप वर्ड ऑफ माउथ, कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट से आपने कोई प्रोडक्ट जो है उसको परचेज किया, कोई नया प्रोडक्ट आया था मार्केट में, लेट से कोई पेन है। अब अगर कोई पेन है और आपने उस पेन को यूज़ करके देखा है कि वो पेन जो है वो स्मूथ चलता है और वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब उसकी इंक जो है वो यहाँ पे जल्दी ख़त्म नहीं होती है, उस पेन से आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी आती है, तो आपने लेट से कोई नया पेन आया था, आपने उसको यूज़ करके देखा, उसके बाद जब आप उस पेन को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आपने उस पेन के बारे में अपने फ्रेंड को बताया और आपके फ्रेंड ने उस पेन को यूज़ किया, उसके बाद उनको भी सेम रिजल्ट्स मिले, तो उसके बाद उन्होंने अपने एक और फ्रेंड को बताया, तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड ऑफ माउथ जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। मतलब आपने इसके बारे में, इस पेन के बारे में यहाँ पर अपने फ्रेंड को बताया, फिर आपके फ्रेंड ने उस पेन को यूज़ किया, उसके बाद उसने अपने एक और फ्रेंड को बताया, या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपने अपने दो फ्रेंड्स को बताया, तो इसी को हम कहते हैं कि ये रेफरल मार्केटिंग है, कि आपने वो जो पेन है उसको यहाँ पे अपने फ्रेंड को भी रेकमेंड किया, रेफर किया कि आप भी उस पेन को जो है वो यूज़ करके देखिए। तो अब यहाँ पे जनरली जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे रेफरल मार्केटिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं करती, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सुनने के बाद, मतलब इस पेन के बारे में जब आपने अपने फ्रेंड को बताया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो फ्रेंड होगा वो इस पर्टिकुलर पेन को परचेस करेगा या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो रेफरल मार्केटिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, कि यहाँ पे जब आप एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे किसी भी एक नए या पुराने प्रोडक्ट के बारे में,
और उससे फिर कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को बताया, उसने भी वो पर्टिकुलर पेन जो है उसको परचेज किया, फिर आपके फ्रेंड ने किसी और फ्रेंड को बताया, उसने भी वो पेन को परचेज किया। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड ऑफ माउथ जो है वो स्प्रेड हो गया और इससे यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो गई। लेकिन क्योंकि इसके रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है तो कंपनीज यहाँ पर रेफरल मार्केटिंग पर रिलाई नहीं करते। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन बिजनेस मार्केटिंग। अब नॉन बिजनेस कंपनीज जो मार्केटिंग करेंगी, जैसे वो अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करेंगे, जो भी उनकी आइडियोलॉजी होगी जिस पे भी वो फॉर्म हुए होंगे उनको वो प्रमोट करेंगे, उनके लिए मार्केटिंग करेंगे किसी भी आइडियोलॉजी के लिए, कॉज के लिए हो सकता है ये, तो उसको हम कहते हैं, जब भी कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई मार्केटिंग कर रही है तो इसका मतलब यहाँ वो नॉन बिजनेस मार्केटिंग को परफॉर्म कर रही है कि वो कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या फिर किसी कॉज की यहाँ पे मार्केटिंग कर रही है। अब यहाँ पे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो भी यहाँ पे मार्केटिंग का यूज़ करती हैं, पर उनका जो मोटिव है वो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग जो है वो नहीं होता, उनका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी नहीं होता, बस यहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी होती है जिसके लिए वो यहाँ पे पीपल को अवेयर करते हैं कि वो ये एक पर्टिकुलर कॉज है और वो इसके लिए काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे सरोगेट मार्केटिंग। अब सरोगेट मार्केटिंग क्या होता है यहाँ पर? सरोगेट का मतलब होता है कि एसोसिएटेड टू सम अदर कॉज। तो यहां पर सरोगेट मार्केटिंग का मतलब है कि आप एक्चुअली जो है, आप लेट से कोई कंपनी है और उसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बैंड है, जिसका एडवर्टीजमेंट करना यहाँ पर बैन है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कुछ ऐसे हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उसका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना प्रोहिबिटेड है, बैंड है। लेकिन अब आपको अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपको यहाँ पर सेल करना है, आपकी कंपनी जो है वो वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लेट से आपकी कोई टोबैको कंपनी है, आप टोबैको प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप कोई अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पे सरोगेट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बैंड है, जिसकी मार्केटिंग करना यहाँ पर बैंड है, लेकिन आप फिर भी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे उसी प्रोडक्ट की सेम ब्रांड नेम के अंदर ही आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करते हैं जो कि बैंड नहीं है, जिसकी मार्केटिंग करना अलाउड है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आपने सुना होगा किंगफिशर। तो अब यहाँ पे किंगफिशर जो है उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है एल्कोहल, लेकिन अब वो क्या करते हैं, अब क्योंकि अल्कोहल का यहाँ पर प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना बैंड है इंडिया के अंदर, तो इसीलिए अब किंगफिशर ने क्या किया कि सेम ब्रांड नेम से यहाँ पर उन्होंने वाटर, सोडा और ऐसे ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लॉन्च किया और उनकी एडवर्टीजमेंट करी सेम ब्रांड नेम के अंदर। मतलब कि आपको किंगफिशर की ही वाटर बॉटल्स मिल जाएंगे, वाटर मिल जाएगा, बॉटल्ड वाटर मिल जाएगा आपको वहाँ पे किंगफिशर के ही ब्रांड नेम के अंदर, आपको यहाँ पे सोडा भी मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे किंगफिशर का जो एक्चुअल मोटिव है इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने का, वो एक्चुअली यहाँ पे बॉटल वाटर की सेल और यहाँ पे सोडा की सेल से है ही नहीं। मतलब उनका मोटिव ये नहीं है कि यहाँ पर उनका जो पैक्ड वाटर होगा वो यहाँ पे सेल होना चाहिए तभी वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या फिर उनका सोडा सेल होना चाहिए, तो उनका मोटिव ये नहीं है। उनका मोटिव क्या है? ब्रांड नेम को स्प्रेड करना, ताकि वो जो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है जो कि एल्कोहल है उसको सेल करना। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे सरोगेट किया सोडा को और वाटर को, ताकि वो यहाँ पे अपनी एल्कोहल को सेम ब्रांड के अंदर ही यहाँ पर सेल कर पाए।
तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ और है, लेकिन उसकी एडवर्टीजमेंट क्योंकि बैंड है इसीलिए हम कोई अनबैंड प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करते हैं, जिसकी सेल से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि वो मार्केट में सेल हो भी रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें बस ब्रांड नेम जो है उसको स्प्रेड करना है ताकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो कि एल्कोहल है वो यहाँ पर सेल हो पाए। तो इसी को हम यहाँ पे सरोगेट मार्केटिंग बोलते हैं, एसोसिएटेड टू सम अदर कॉज। अब वो जो प्रोडक्ट है वाटर और सोडा है वो यहाँ पे किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, लेकिन ऐसा जो कंपनी है वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती क्योंकि वो अब यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है उसको डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए वो यहाँ पे वाटर और सोडा को सेल कर रही है ताकि उसकी एल्कोहल भी यहाँ पर सेल हो पाए। और ऐसा सिर्फ यहाँ पे किंगफिशर ही नहीं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बैक पाइपर सोडा और बैक पाइपर विस्की। तो अब ये सारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे सोडा जो है उसकी एडवर्टीजमेंट करना अलाउड है, तो इसीलिए ये जो कंपनीज होती हैं जो एल्कोहल मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं तो ये कंपनीज सोडा भी लॉन्च करते हैं ताकि वो सेम ब्रांड नेम के अंदर ही यहाँ पे एल्कोहल को भी सेल कर पाए। तो आई होप आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से सरोगेट मार्केटिंग जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्बुश मार्केटिंग। अब एम्बुश मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एम्बुश का मतलब एक्चुअली होता है कि यहाँ पे आप सरप्राइजिंगली किसी पे अटैक करते हैं, जो कि यूजुअली एनिमल्स के लिए यूज होता है। आपने सुना होगा एम्बुश हंटर, लायंस जो हैं वो एम्बुश हंटर्स होते हैं, वो अपने प्रे पर ऐसे सरप्राइजिंगली अटैक करते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे एम्बुश बोलते हैं। अब एम्बुश मार्केटिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो भी राइवल्स होते हैं, मतलब कंपेटिटर्स जो हैं मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट के लिए, लेट्स से अगर यहाँ पर टाइड और रिन है तो अब दोनों ही यहाँ पे डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे डिटॉल और लाइफ बॉय हो सकता है। तो अब एम्बुश मार्केटिंग को हम इन्हीं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अब क्या होता है यहाँ पर रेंज जो है उसकी, उसने पहले ये एड निकाला था कि यहाँ पे जो रेन है वो एक्चुअली ज़्यादा वाइटन करता है क्लोथ्स को, टाइट से ज़्यादा वाइटन करता है, तो इसीलिए यहाँ पे रेन ने क्या किया था कि उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में ही टाइड का नाम जो है उसको शो कर दिया था, जिससे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रेन ने टारगेट किया था टाइड को जो उनका कंपेटिटर है, तो इसीलिए यहाँ पे रिन ने एम्बुश किया टाइड को, तो मतलब अटैक किया, तो अपने कंपेटिटर को ही यहाँ पे सरप्राइजिंगली अटैक करने को ही हम यहाँ पे एम्बुश मार्केटिंग बोलते हैं, कि आपने यहाँ पर टाइड से कंपैरिजन दिखाया, डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया अपने कंपेटिटर से अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर, और यहाँ पे दिखाया आपने कि रिन जो है वो बेटर है, प्राइस में भी बेटर है यहाँ पर टाइड से, और यहाँ पे आपके क्लोथ्स को ज़्यादा वाइटन भी करेगा रिन, तो इसीलिए यहाँ पे रिन ने क्या किया एम्बुश मार्केटिंग का यूज़ किया। ऐसे ही यहाँ पर डिटॉल और लाइफ बॉय का केस है, इन्होंने भी यहाँ पर ऐसे ही किया था कि लाइफ बॉय ने यहाँ पर एम्बुश किया था डिटॉल को, कि यहाँ पे जो लाइफ बॉय है वो ज़्यादा क्लीन करता है डिटॉल से, तो इसी को हम यहाँ पे एम्बुश मार्केटिंग बोलते हैं, कि आप अपने कंपेटिटर को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली अटैक कर रहे हैं और अपनी एडवर्टीजमेंट्स में शो कर रहे हैं डायरेक्टली अपने कंपेटिटर का जो नाम है उसको। ये डिफरेंट वेज से हो सकती है एम्बुश मार्केटिंग, जैसे आपने फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के एड्स देखे होंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे यहाँ पे स्नैपडील का एड है और उसके बैक पेज पे यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एड है, तो इसी को हम यहाँ पे एम्बुश मार्केटिंग बोलते हैं, कि आप यहाँ पे अपने कंपेटिटर्स को जो है वो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली अटैक कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डी मार्केटिंग। अब डी मार्केटिंग ये सिचुएशन होती है जिसमें आपकी जो डिमांड है वो एक्सीड करती है सप्लाई से, तो आप इस यहाँ पर चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स जो हैं वो परचेज ना करें, तो इसी को हम यहाँ पे डी मार्केटिंग कहते हैं, जो कि मार्केटिंग का ऑपोजिट होता है। डी मार्केटिंग में आप अब क्योंकि मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि अब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो आप उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट की जितनी उसकी डिमांड है, तो इसी को यहाँ पर कवर करने के लिए डी मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट की, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो डिमांड को डिक्रीज कर दें और यहाँ पे बैलेंस हो जाए डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। लास्ट है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। तो अब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अब वाइडली यूज़ है, अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेट पे ही यहाँ पे प्रमोट किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अब
कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए भी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका यूज करते हैं और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो अपना जो प्रोडक्ट है वो पहुँचा पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही। तो मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो इसी को हम कहते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो आई होप आपको यहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट्स जो मार्केटिंग के अंदर हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।